वेलकम टू वेरी बिगर द शॉट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैंसिल डेबिलिटेशन और एग्जाल्टेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बेसिकली कोई भी चार्ट खोल लोगे तो कई बार आपको मिलेगा कि प्लैनेट आपका डेबिलिटेटेड पोजिशन में है, मगर फिर भी वो बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर मोर डिटेलिंग आपको देखना पड़ता है डिग्रीज, कितने डिग्री तक वो डेबिलिटेटेड कहलाता है और कितनी डिग्री तक वो डेबिलिटेटेड नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बारी बारी से सन सिर्फ 10 डिग्रीज लिब्रा तक ही डेबिलिटेटेड है। अगर आपका सन 10 डिग्रीज से ज्यादा है लिब्रा में तो वो डेबिलिटेटेड नहीं कंसिडर किया जाएगा। जब तक अगर वो सन 0 से 10 डिग्री तक है तभी वो डेबिलिटेटेड है, अगर उससे ज्यादा है तो वो डेबिलिटेटेड सन नहीं है। सिमिलरली मून अगर 3 डिग्री स्कॉर्पियो में है, 0 टू 3 डिग्री तक, तो ही वो डेबिलिटेटेड कहलाएगा। अगर 3 डिग्री से ज्यादा है तो वो डेबिलिटेटेड का रिजल्ट नहीं देगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सिमिलरली मार्स 28 डिग्री तक वो डेबिलिटेटेड कहलाता है। अगर वो 28 डिग्री तक है कैंसर में, 0 टू 28 डिग्री, तो ही वो डेबिलिटेटेड है। अगर वो 29 और 30 डिग्रीज पे है और 28.5 डिग्रीज पे भी अगर वो होगा तो वो डेबिलिटेटेड नहीं कहलाएगा, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सिमिलरली मर्क्यूरी बुध जो है वो 15 डिग्री पाइसिस में ही डेबिलिटेटेड रहता है। अगर 15 डिग्री से ज्यादा है वो तो वो डेबिलिटेटेड कंसिडर नहीं होगा, आपको अच्छा और बढ़िया रिजल्ट देगा। जुपिटर है वो सिर्फ 5 डिग्री तक ही डेबिलिटेटेड रहता है कैप्रिकॉन में। सो 0 टू 5 डिग्री अगर वो है तो ही वो डेबिलिटेटेड कहलाएगा। अगर 5 डिग्री से ज्यादा है आपका जुपिटर कैप्रिकॉन में तो आपका जुपिटर डेबिलिटेटेड नहीं है, आपको अच्छा फल देगा। सिमिलरली आते हैं वीनस को, वीनस वर्गों में 0 टू 27 डिग्रीज तक ही वो आपको डेबिलिटेटेड का फल देगा। अगर 28, 27.5, 29, 30 डिग्रीज पे अगर आपका वीनस है वर्गों में तो वो डेबिलिटेटेड नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो आपको अच्छा फल देगा। सिमिलरली शनि जो सैटर्न है वो 20 डिग्री एरिस तक में ही वो डेबिलिटेटेड कहलाएगा। अगर वो 20 डिग्री से ज़्यादा है, 0 टू 20 में वो डेबिलिटेटेड होगा, अगर वो 20 डिग्री से ज्यादा है तो वो डेबिलिटेटेड नहीं कंसीडर होगा, वो आपको अच्छा और बढ़िया फल देगा। तो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं कि कितने डिग्री तक डेबिलिटेशन लागू पड़ता है, और अगर वो डिग्री से बाहर है आपका प्लैनेट तो वो डेबिलिटेटेड नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो आपको अच्छा फल देगा। ओके, सो उससे घबराए मत, ऐसे ही हाउस देख के उस पर घबरा मत जाइए कि ओके सन लिब्रा में है तो मेरा डेबिलिटेटेड सन है, खराब सन है, नहीं। अगर वो 0 टू 10 डिग्री में है तब ही वो डेबिलिटेटेड कंसीडर किया जाएगा, अगर उससे बाहर है तो वो आप बच गए हो, आपका सन डेबिलिटेटेड नहीं है। ओके, सिमिलरली चेक ऑल योर प्लैनेट्स, और ऐसे ही कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें वैदिक विद्या।